दिन बोला और ताहिर सफ़ुर दिन बोला का रोज़ा। इस वक्त मैं हूँ 19 तारीख अंदर के अंदर का पूरा माहौल दिखाने की कोशिश करता हूँ और रोज़ा नहीं खाता हूँ। पूरा नया बना है अभी ये एरिया मुंबई में, रोज़ा तो ताहिरा के पीछे। यहाँ पर सब बहुत अच्छे खाने पीने के स्टॉल। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे, और आज हम आए हैं मुंबई रोज़ातुल ताहिरा, क्या बोलते हैं, रोज़ातुल ताहिरा की ज़्यारत करने। आज मैं आपको वहाँ का व्यू दिखाता हूँ। सबसे पहले हम अभी मॉरिस वाला में रुके हुए हैं, और ये मॉरिस वाला जाऊदी बोरक्स हमारी कास्ट का ही एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है, जहाँ पर रहने की फैसिलिटीज़ वगैरह है। यहाँ पर हमें रूम दिया गया है, और यहाँ से नीचे का व्यू भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी 8th फ्लोर पे हैं हम, तो चलिए मैं अब आपको आगे का सफ़र दिखाता हूँ। और सबसे अहम बात दोस्तों, अगर आप मुंबई आते हैं, मुंबई में यहाँ रोज़ातुल ताहिरा की ज़्यारत की नियत रखा अगर आप रखते हैं, तो यहाँ पर बहुत सी लोगों को यहाँ परेशानी आती है रहने की, रुकने की, ठहरने की, तो उस एतबार से देखा जाए तो ये जगह बहुत अच्छी है। मैं आपको यहाँ से नीचे का पूरा व्यू दिखाता हूँ, जहाँ से बोरिस वाला का रास्ता जाता है, और यहाँ का बड़ा नॉमिनल से चार्ज है, 4 लोगों का यहाँ पर चार्ज है 2500 2500 रुपये, जिसमें सुबह का नाश्ता इंक्लूडेड है, और बाकी आपको जैसा रहना हो, जैसा आपका काम हो, वैसे आप रुक सकते हैं। चलिए मैं आपको नीचे दिखाता हूँ रिसेप्शन का एरिया। दोस्तों ये है पूरा एरिया मॉरिस वाला का, 8th फ्लोर बना हुआ है। यहाँ पर अच्छे तरीके से रूम्स वगैरह बने हैं। यहाँ पर आप अपना ITS आधार कार्ड ज़रूर लेके आएँ, बगैर इसके यहाँ एंट्री नहीं होगी। तभी हमारा रूम नंबर है 608। ऐसे ही यहाँ 8 से 10 फ्लोर है, जहाँ पर आपको सब ऊपर रूम्स वगैरह मिलेंगे, यहाँ पर लिफ्टें लगी हुई हैं। लिफ्टों से आप बड़े कन्वीनियंट तरीके से ऊपर और नीचे हो सकते हैं, आपको थकने की ज़रूरत नहीं है, और इसका टाइम शेड्यूल भी आप देख सकते हैं। सुबह 9 AM चेकआउट का टाइम है, और 7:30 7:30 से 8:30 सुबह नाश्ते का टाइम है। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आप लोगों के काम आएंगे। हम चलते हैं नीचे लिफ्ट की ओर, ताकि मैं आपको ताहिर सफ़रुद्दीन बोला कि तुरबत की ज़्यारत तो मैं नहीं करवा पाऊँगा वहाँ की, क्योंकि वहाँ की परमिशन नहीं है। बहुत शॉर्ट तरीके से वहाँ की वीडियो में शूट करूँगा, तो चलते हैं लिफ्ट। सर्विस ये देते हैं बड़े अच्छी तरीके से, कंपल करने लोगों की है। ये है दोस्तों मॉरिस वाला की ऊपर बिल्डिंग, यहाँ से आप आएंगे तो ये पूरा फ्लोर बने हुए अपने वालों के, और ये रास्ता जाता है सीधा भिंडी बाजार की ओर। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा माहौल यहाँ का। अपन को लेफ्ट की तरफ चलना है, लेफ्ट की तरफ में आपको यहाँ भिंडी बाज़ार का रास्ता मिलेगा, जहाँ पर अपना रोज़ातुल ताहिरा का एरिया है, जहाँ पर अपने रोज़े बने हुए हैं, जहाँ पर इस जगह अपन को जाना है। दोस्तों एक अहम बात मैं आपको बताना भूल गया, कि मॉरिस वाले में अगर आप रुकते हैं तो यहाँ से आप पैदल रोज़े की तरफ जा सकते हैं। टैक्सी के लिए परेशान मत होइएगा, क्योंकि यहाँ का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है जिससे आप टैक्सी ले सकें, तो पैदल पैदल ही आप मुश्किल से 5 मिनट का डिस्टेंस है, 5 मिनट में आप अपनी मंजिल पहुँच जाएंगे। तो ये दोस्तों हमारी सरहद चालू होती है रोज़ातुल ताहिरा की। अभी देख सकते हैं आप बहुत लंबा कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस वक्त, पूरी जितनी भी पुरानी शॉप पुराने मकान सब पहुँच गए हैं, पूरा नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है।
शायद इनका कुछ आने वाले टाइम पे ये सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँ। तो जिस तरह से हम दूसरी दरगाहों में जाते हैं जो हमें फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती हैं, शायद वो भी यहाँ मिलना चालू हो जाए, मुहैया हो जाएँ। आई थिंक सो, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ये मेरा मानना है। बाकी आई होप, तो देखते हैं अपन आगे क्या होता है। तो चलिए मैं आपको अंदर का पूरा माहौल दिखाने की कोशिश करता हूँ और रोज़ा दिखाता हूँ। लेडीज़ों का यहाँ अलग है और जेंट्सों का यहाँ जाने का अलग है। ठीक है, ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ भी ये पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है, पूरा कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है पूरा। ये अपना रोज़ा और यहाँ का पूरा माहौल देख सकते हैं रोज़े का। इस वक्त रोज़े का ज़ियारत का टाइम ख़त्म हो गया है, नमाज़ का टाइम चालू हो चुका है। यहाँ से अभी जो है पब्लिक को बाहर निकालना है, सबको मना करना है। अब नमाज़ के बाद जो है इंशाल्लाह फिर से रोज़ा ज़ियारत के लिए खुलेगा। यह है रोज़ा तो ताहिरा, बुरहानुद्दीन मौला और ताहिर सैफुद्दीन मौला का रोज़ा। इस वक्त मैं हूँ 19 तारीख दोपहर के 12:30 बजे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। दोस्तों, ये वीडियो को आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बोलिए अभी दोस्तों, रोज़े के गेट बंद हो चुके हैं क्योंकि अभी नमाज़ का टाइम हो चुका है और इंशाल्लाह नमाज के बाद 1:20 पे रोज़ा के दोबारा से गेट खुलेंगे और फिर से मैं आपको आगे का सफ़र दिखाता हूँ दोस्तों। मगर एक चीज़ आपको मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर जो काम चल रहा है बहुत ही हाई क्लास और अला दर्जे का काम चल रहा है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये ज़रूर देखिएगा। ये ताहिर सैफुद्दीन मौला का रोज़ा है, जो आप पहले किसी टाइम पर अपन आते थे तो यहाँ से गेट हुआ करता था, यहाँ से अपन इंटर करते थे, मगर अब ये पूरा ख़त्म हो चुका है। यहाँ से पूरी दीवारें टूट चुकी हैं, वो ये बहुत बड़ी मस्जिद बन रही है, यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सारे एसीज़ वगैरह रखे हुए हैं, मतलब पूरा नक्शा। दोस्तों, इंशाल्लाह आप आने वाले टाइम पर अगर यहाँ आएंगे 6 महीने साल भर बाद, तो आपको यहाँ का नक्शा पूरा चेंज दिखेगा। चलिए, अभी नमाज़ का टाइम हो रहा है दोस्तों, मैं नमाज़ के बाद आपको इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो दिन भर अपने बिजी शेड्यूल में से एक्चुअली में क्या है, मैं यहाँ पर आया हूँ अपने पेरेंट्स को विदा करने के लिए। एक्चुअली वो जा रहा है करबला और अभी मुझे उनकी फ्लाइट जो है कल सुबह मॉर्निंग की है, तो उससे पहले अभी हम आए हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो एरिया है अपना रोज़ा ताहिरा का। वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स खुल चुकी हैं, वहाँ होटल वगैरह चालू हो चुके हैं और बहुत अच्छी अच्छी शॉप में एक बार आप दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप ज़रूर देखिए। हम दिन भर ज़ियारत और अपने सारे काम करते हुए, क्योंकि एक्चुअली में इस वक्त मैं आया हूँ अपने पेरेंट्स को करबला के लिए विदा करने के लिए। ये पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन दोस्तों, ये सब पूरा नया बना है अभी ये एरिया मुंबई में, रोज़ा तो ताहिरा के पीछे। यहाँ पर सब बहुत अच्छे खाने पीने के स्टॉल्स वगैरह और काफ़ी अच्छे अच्छे शॉप्स वगैरह चालू हुई हैं। अब इतने लिमिटेड टाइम में मैं थोड़ा सा शूट कर रहा हूँ दोस्तों, इससे आपको अंदाज़ा लग रहा होगा। इसके बैक साइड पीछे जाएंगे तो और आपको काफ़ी सारी शॉप्स वगैरह मिलेंगी। तो मैंने आपको रहने का मोरिस वाला तो बता दिया, उसके अलावा आपको वहाँ पर अपने रोज़े में आप ताहिरा रोज़ा ताहिरा की ज़्यारत करेंगे, उसके बाद आपको वहाँ से कार्ड प्रोवाइड होंगे जमन के,
दावत के साथ, तो वो आपको यहीं पर ही आना है। यहाँ पर है ताहिरी फेज़, यहीं पर ही आना है। ये फर्स्ट फ्लोर पे आपको जाना है, ये जो रास्ता गया है इसी रास्ते से आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। यहाँ पर ताहिरी फेज़ है, यहाँ पर आपको बहुत ही लजीज खाना मौला की तरफ से मिलेगा दावत के साथ। तो आज के ब्लॉग में दोस्तों इतना ही। ये ब्लॉग को मैंने काफ़ी, ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए इस ब्लॉग को मैं 4 पार्ट में बना रहा हूँ। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, इंशाल्लाह आगे 3 ब्लॉग और पोस्ट होंगे। ज़रूर देखिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। ओके, बाय।